दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मात्र 50 रुपए जमा करके अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को आप सुरक्षा दे सकते हैं LIC के इस कवच कुंडल योजना के माध्यम से। कवच कुंडल योजना LIC की योजनाओं का एक कॉम्बिनेशन प्लान है, अर्थात कवच कुंडल योजना में LIC की कुछ पॉलिसियों को ऐड करके यह प्लान बनाया गया है, जो कि खास तौर से बच्चों की हायर एजुकेशन को टारगेट करता है। दोस्तों, अपने इस वीडियो के प्रेजेंटेशन में हम कवच कुंडल योजना में कौन कौन से प्लान ऐड किए गए हैं इसके विषय में हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस प्लान को ग्राहक के सामने कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए पहले से हमारे चैनल पर कवच कुंडल योजना की वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पुरानी वीडियो को जरूर देख लें। आपने ऐसा पाया होगा कि आपके ही शाखा कार्यालय में बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता होंगे जो ज्यादा पॉलिसी सेल करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिकर्ता होंगे जो मुश्किल से 2-4 बीमा भी बेच पाते होंगे। मुझे लगता है कि इसकी एक वजह यह भी होती है कि हम क्लाइंट के सामने किसी पॉलिसी को, किसी प्लानिंग को किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं। जब आपके क्लाइंट को आपके प्रेजेंटेशन में उसका हित दिखाई देता है, उसका लाभ दिखाई देता है, तभी आपका क्लाइंट आपकी पॉलिसी को खरीदता है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि कवच कुंडल योजना को कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए आप पुरानी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आइए अब समझते हैं कि कवच कुंडल योजना में कौन कौन से प्लान ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों, आपने LIC के दो पॉलिसियों के विषय में सुना होगा, आपको पता होगा, न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 832 है, और जो दूसरा प्लान है LIC का जीवन तरुण प्लान। यह दोनों ही प्लान बच्चों का है, यानी इन दोनों ही पॉलिसियों में बच्चे का बीमा किया जाता है, और यह जो कवच कुंडल योजना है इसमें यही दोनों प्लान ऐड किए गए हैं। यदि आपको इस पॉलिसी की पूरी जानकारी नहीं है तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ही पॉलिसियों की पूरी जानकारी के लिए लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बारी बारी से उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके इन पॉलिसियों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो पुरानी कवच कुंडल योजना की वीडियो पड़ी हुई है उसका कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है। तो दोस्तों, 30 साल की अगर पिता की उम्र है और उसके बच्चे की अवस्था 2 साल की है, इस आधार पर कवच कुंडल योजना की पुरानी वीडियो प्रस्तुत की गई है। इसमें यह जो पहला प्लान है न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी, इसमें बीमा धन लिए है 1.5 लाख रुपए का। प्लान का जो टर्म है वह 23 साल है, और इस 23 साल के टर्म में क्लाइंट को 23 साल टोटल प्रीमियम जमा करनी होगी। क्लाइंट को इस पॉलिसी को देते समय सबसे बेहतर है कि PWB यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दे दिया जाए। उसकी निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ती है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से PWB देना बहुत ही जरूरी है इस पॉलिसी में। अब न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी लेने के बाद क्लाइंट को क्या लाभ होगा, यानी उस बच्चे को क्या फायदा होगा। तो जब बच्चे की अवस्था 18 साल की होगी तो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी से 30,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। जब बच्चा 20 साल का होगा तो 30,000 रुपए दोबारा मिलेंगे। जब बच्चा 22 साल का होगा तो 30,000 रुपए मिलेगा, और जब बच्चे की अवस्था 25 साल की होगी तो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। आज के बोनस दर के हिसाब से 25 साल की एज होने पर बच्चे को 2,48,100 रुपए का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी का पेमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर अब उस और ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करता हूँ। अब इस कवच कुंडल योजना में जो दूसरा प्लान ऐड किया गया है उसका नाम है जीवन तरुण प्लान, टेबल नंबर 834, जिसमें सम एश्योर लिया गया है 2 लाख रुपए का, और प्लान का जो टर्म होगा वह होगा 23 साल का। लेकिन जीवन तरुण पॉलिसी में जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा इस पॉलिसी के लिए वह होगा 18 साल, यानी क्लाइंट को सिर्फ 18 साल ही प्रीमियम जमा करनी होगी। अब इसमें रिटर्न क्या होगा, जब बच्चे की अवस्था 20 साल की होगी तो 30,000 रुपए रिटर्न होगा। ठीक इसी तरह से जब बच्चे की अवस्था 21 साल की होगी तो 30,000 रिटर्न होगा। जब बच्चा 22 साल का होगा तो 30,000 रिटर्न होगा। जब बच्चा 23 साल का होगा तो फिर 30,000 मिलेगा। और जीवन तरुण पॉलिसी से जब बच्चा 24 साल का हो जाता है तो 30,000 रुपए एक बार और मिलता है। और जब बच्चे की अवस्था 25 साल की हो जाएगी तो जीवन तरुण प्लान की मैच्योरिटी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी।
यानी मैच्योरिटी पर जो सम एश्योर्ड की बची हुई राशि है वह रिटर्न होगी, बोनस होगा और एफएबी का रिटर्न हो जाएगा। पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है यह डिपेंड करेगी बोनस के आधार पर, जैसा कि न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी में है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि यह जो जीवन तरुण प्लान और न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान का जो कॉम्बिनेशन करके कवच कुंडल योजना बनाई गई है इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। इन दोनों ही प्लान को मिक्स कर देते हैं तो जो कवच कुंडल योजना में प्रेजेंटेशन दिया गया है वह डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह जो कवच कुंडल योजना है इसमें दो प्लान ऐड किए गए, प्लान नंबर 832 और 834। इन दोनों ही प्लान में बच्चे का रिस्कवर चल रहा है और पिता का पीडब्ल्यूबी दिया गया है, यानी इन केस यदि पिता के साथ कोई कैजुअल्टी होती है तो प्रीमियम वेव होगा। लेकिन यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को एक एडिशनल चीज और दे सकते हैं। इन केस पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके फैमिली को एक बड़ी रकम मिल सके, इसके लिए बेहतर होगा कि या तो प्लान नंबर 822 या तो प्लान नंबर 823, दोनों में से एक कोई पॉलिसी यदि आप उस क्लाइंट को दे देते हैं तो होगा क्या कि यदि क्लाइंट की डेथ होती है तो उस कंडीशन में एक बड़ी रकम तत्काल मिल जाएगी, प्रीमियम वेव हो जाएंगे और जो रिटर्न होने हैं वो रिटर्न कस्टमर को मिलते रहेंगे। यदि पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम हो रहा है, यानी इस प्लानिंग में अगर आप कम सम एश्योर्ड का प्लान अगर क्लाइंट को दे रहे हैं तो वहां पर प्लान नंबर 822 कुछ न कुछ जरूर सेल कर दें, और यदि इस प्लानिंग का सम एश्योर्ड ज्यादा है तो आप वहां पर प्लान नंबर 823 सेल कर। यह आपके ग्राहक के लिए भी उपयोगी है, फायदेमंद है और आपके लिए भी यह बेनिफिट देने वाला होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब अपने क्लाइंट के साथ इस प्लानिंग की चर्चा करके आप सफलता के नए आयाम रचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों हमारा YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर खास तौर से अभिकर्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्लान्स की जानकारी, कॉम्बिनेशन प्लान की जानकारी, पॉलिसी सर्विसिंग की जानकारी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे नए नए प्रोस्पेक्ट खोजें, इस तरह की तमाम जानकारियां हमारा यूट्यूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, यदि आप इस तरह की जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, यदि आप अपने कार्य को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं एवं आपके सफल, समृद्ध एवं यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।